Friends, welcome to Aarti Katariya cooking classes and Ashish Cakes Academy. Thank you very much. जो response मुझे नान खटाई, पाव, नए वाले icing cake के लिए मिल रहा है. Yes, हम लोग 20 साल से नासिक में cooking और baking के classes ले रहे हैं. काफी सारे courses होते हैं. More than 150 vegetarian baking और cooking के courses चल रहे हैं. बहुत सारे लोगों ने details मांगे हैं. जल्दी ही बहुत आपको भेजूंगी. अब बहुत लोगों ने पाव बनाए. आप बहुत लोगों ने नान खटाई बनाई, आप लोगों ने केक्स बनाए. थैंक यू वेरी मच. मुझे नहीं लगा था कि इतने शॉर्ट स्पैन में मुझे इतने सारे कमेंट्स भी आएंगे, इतनी क्वेरीज भी आएंगी और मज़ा भी आएगा इन क्वेरीज को आंसर करने में. मैं अभी आपको कुछ बता रही हूँ, इनको थोड़ा सा समझना कि बहुत लोगों ने मुझे पाव के वीडियोज़ भेजे. यस, आपके पाव बहुत अच्छे बने हैं, बट ज़रूरी नहीं कि मेरा ओवन अगर 200 डिग्रीज पे चल रहा है तो आपका भी उसी पर चले. आप क्या करना पता है क्या, पहले एक बार अपना चेक कर लेना ओवन का टेम्परेचर, दो पाव रख के. किसी तीन चार जनों को मैंने भेजा है कि नहीं टेम्परेचर थोड़ा कम करिए. ये ओवन टू ओवन ये होता है कि कितने कौन से ओवन में कितना टेम्परेचर जा रहा है. इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ ओवन इट इज़. इट्स अ कन्वेक्शन, इट्स एन OTG, या आप कुकर में बना रहे हो, आप सोलर कुकर में बना रहे हो, 100% ये उसके ऊपर जाएगा. सो नेक्स्ट टाइम डू चेकआउट द टेम्परेचर. ऊपर से बहुत लाल मत करिए, फिर क्या होगा, ऊपर का पार्ट कड़क होएगा और बीच का बहुत सॉफ्ट होएगा. उसके बाद में नान खटाई भी आपने बनाई है, हल्का सा मिल्क का ब्रश देना है, लाइक एग वॉश देते हैं तो हल्का सा मिल्क का क्रश देना है और तभी आपको ऊपर रेडनेस आएगी, नहीं तो वो नान खटाई को ऊपर रेडनेस नहीं आएगा. दैट इज ओनली फॉर द कलर. उसके बाद में आइसिंग के लिए बार बार बोल रही हूँ कि यस, एक वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पे क्रीम कौन से कंपनी का लेना है, कैसे उसको फेंटना है, गर्मी ठंडी में उसका टेम्परेचर कैसे मेनटेन करना है, ये श्योर मैं आपको बताने वाली हूँ. काफ़ी लोगों के मुझे डाउट्स और भी आए थे, बट फॉन्डेंट का भी वीडियो करने वाली हूँ, पिज्ज़ा ज़रूर करूँगी, बट पिज्ज़ा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी फॉन्डेंट वगैरह तो बहुत जल्दी करूँगी. आज जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ एक आइसक्रीम केक. मैं बना रही हूँ ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर में. आप किसी भी फ्लेवर का बना सकते हो. जैसे कि बहुत साल पहले एक मैंने बहुत अच्छा फ्लेवर खाया था, पिज्ज़ा आइसक्रीम. अलग अलग आइसक्रीम्स लिए थे, जैसे अभी अपन करेंगे ना तब मैं बात करती जाऊंगी कि वो कैसे था. ऐसा कोई भी आइसक्रीम केक करना है, कुकी एंड क्रीम करना है आपको, राजभोग करना है, चारकोल आइसक्रीम करना है, कोई भी आप यही करोगे. उसके लिए बेसिकली चीज़ें हमको क्या लगेंगी कि मैं अभी जब ब्लैक फॉरेस्ट बोल रही हूँ तो यस, मेरे पास चॉकलेट स्पॉन्ज होना चाहिए बिकॉज इट्स एन आइसक्रीम केक. फिर उसके बाद में जो ब्लैक फॉरेस्ट को चीज़ें लगती है वैसे ही सब चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे. जैसे मैं यूज़ करूँगी सोक करने के लिए गनाश, जिसको मैंने थोड़े से दूध में सोक किया है. उसके बाद में कुछ चेरी फिलिंग, उसके बाद में कुछ चॉकलेट शेविंग्स और फिर हमारा आइसक्रीम. बात आइसक्रीम से शुरू करूँगी, कारण क्या, एक बार केक बनाना स्टार्ट करूँगी ना तब आपको आइसक्रीम के बारे में बहुत नहीं बोल पाऊँगी. अब कैसे होता है, जब मैं आइसक्रीम से बात शुरू कर रही हूँ तो याद रखना, द वर्ड इज़ आइसक्रीम, अ थिंग विच हैज़ लोड्स ऑफ क्रीम. बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप व्हिपिंग क्रीम लो, जो बहुत चल रहा था ना कि थ्री इंग्रेडिएंट आइसक्रीम, या कोई भी एक ऐसा बेस की जहाँ पे आपने सिर्फ व्हिपिंग क्रीम लिया है, आप उसमें फ्लेवर्स डाल रहे हो और आप उसको आइसक्रीम बोल रहे हो. 100% नहीं. मेरे ख्याल से अगर आप रोज़ ऐड दिख रहे हो तो अमूल की एक ऐड चलती है कि जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो लोग दूध से बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज आइसक्रीम, एंड बाकी लोग जो वेजिटेबल ऑयल या कोई भी क्रीम से बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रोजन डेजर्ट. तो ध्यान रखना, जब आप फ्रोजन डेजर्ट्स अपने बच्चों को देते हो तो वो इतने हेल्दी नहीं होते हैं जितनी आइसक्रीम होती है. आज की डेट पे अगर आपको आइसक्रीम बनाना नहीं आ रहा है, मैं जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ आइसक्रीम का, या मैं एटलीस्ट कुल्फी करूँगी, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों ने एक शॉकिंग चीज़ भेजी कि मैम हम लोग ब्रेड डाल के आइसक्रीम बनाते हैं और वो इतना टेस्टी नहीं बनता. आप ब्रेड की स्लाइसिस पीसोगे और आप सोचोगे कि मेरी कुल्फी बहुत सॉफ्ट और टेस्टी मावेदार हो, तो 100% पॉसिबल नहीं है, है ना. तो उसके लिए एक अपन वीडियो करेंगे कि आपको कुल्फी कैसी बनानी है. तब तक आप क्या करना, ऑथेंटिक आपकी जो आइसक्रीम है ना, जो आप पहले से जानते हो कि जहाँ पे हम दूध को बहुत अच्छे से रिड्यूस करते थे, मीन्स बोलते ना जब तक वो आधा ना हो जाए तब तक आप उसको फेंटते थे और उससे आप आइसक्रीम बनाते थे, आप आपकी उसी रेसिपी से कंटिन्यू करना. मैं 100% ये नहीं बोल रही हूँ कि क्रीम बिल्कुल भी मत डालिए, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ सिर्फ क्रीम का बेस मत लीजिए. आप क्रीम, कोई भी फ्लेवर और कंडेंस मिल्क, ये थोड़े बहुत जल्दी बनाने के लिए बहुत अच्छा है, बट रियल आइसक्रीम इज समथिंग डिफरेंट, जहाँ पे खूब सारा दूध भी चाहिए और खूब सारा फ्लेवर भी चाहिए. तो अपन उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, एक जल्दी ही वीडियो के साथ आऊँगी कि कौन सा आइसक्रीम आपको करना है. अब कैसे होता है पता है, ये जो बातों के अपार्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा टिन रेडी कर लेते हैं.
बिकॉज हमको टिन में बनाना पड़ेगा ये आइसक्रीम केक, तो मैंने एक लिड वाला टिन लिया है. आप नॉर्मल टिन लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ऐसे भी हम इसमें क्लिम फ्लिम डालने वाले हैं. तो क्लिम फ्लिम होने के बाद में आप कोई भी मोल्ड लिए तो इट वॉन्ट मैटर अ लॉट, हम इसमें क्लिम फ्लिम डालेंगे. ऐसी ही प्लीज क्वीरीज मुझे भेजते जाइए. ये हम लोग क्लीन फिल्म लगा दिए, इसमें बहुत परफेक्शन में मत जाइए, बस आपको एक क्लीन फिल्म चाहिए ताकि केक इजीली निकल सके और अच्छे से सेट हो. अब मैंने लिया केक का एक स्लाइस, मैंने चॉकलेट केक लिया है, मैंने एक स्लाइस रखा. अच्छा, आप लोगों को ये है कि चॉकलेट बेसिकली अभी तो मैंने जो यूज़ किया है वो रियल चॉकलेट है, बहुत कम मैं कंपाउंड्स के साथ में काम करती हूँ. कंपाउंड्स थोड़ा मुझे कम पसंद है. आप लोग अभी फ्री हो तो आप देख सकते हो कंपाउंड के गुण वगैरह नेट पे. मैं बेसिकली प्योर चॉकलेट्स के साथ में काम करने में ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, कंपाउंड चॉकलेट शायद मैं कम काम करती हूँ. अब मैं इसको सोक कर रही हूँ, सोक करने से ज़्यादा, बिकॉज ये केक कैसा भी खाओ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. हम अच्छे से ये डाल देंगे हमारा. अभी मैंने नियर अबाउट 50 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट और 3 टेबलस्पून दूध गरम कर लिया है. मैंने अभी कैलिबू की चॉकलेट यूज़ की है, आप कोई भी कंपनी की यूज़ कर सकते हो. आपके पास में घर में कंपाउंड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. अब मैं इसमें डालूंगी आइसक्रीम. आइसक्रीम को थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आए और फिर मैं यूज़ करूँगी. इसमें मैं सेमी सेट है मेरा आइसक्रीम, आप देख रहे हो आइसक्रीम काफ़ी पिघल रहा है, एक तो गर्मी भी है और वो ऐड कर रही हूँ. अभी मैंने रेडी वनीला आइसक्रीम लिया है, आप आपको आता है आप आपके हिसाब से भी बना के इसमें ऐड कर सकते हो. और अब हम इसको थोड़ा फ्लैट कर लेंगे पैलेट नाइफ से. इसके ऊपर मैं डालूंगी चेरी का क्रश. प्लीज फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी क्रश कभी नहीं जाता, आप कभी भी स्ट्रॉबेरी क्रश ब्लैक फॉरेस्ट के लिए यूज नहीं करते हो, बिकॉज आप सबको मालूम है जर्मनी का जंगल है ब्लैक फॉरेस्ट, जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं चेरीज, इसलिए आपको बाजार में चेरी फिलिंग, चेरी का क्रश मिलता है, आप वो यूज़ करोगे और ना कि स्ट्रॉबेरी क्रश. इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश डालना वैसा ही है जैसे एक चाइनीज आएगा और वो देखेगा कि इंडिया वालों ने चाइनीज भेल बनाई है. को फ्लैट करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे ये चेरी का क्रश और चॉकलेट के शेविंग्स. वापस मैंने चॉकलेट को कट करके डालना. दिस इज चेरी फिलिंग जो मैं केक में यूज करूंगी, हम वो ऐड करेंगे. अच्छा, ये केक आपके ऊपर है, अगर आपको क्लाइंट अच्छे से ये कर रहा है तो आप इवन इसको 2 लेयर्स नहीं 3 लेयर्स भी कर सकते हो. और चॉकलेट की शेक्स. नेक्स्ट नेक्स्ट केक का पार्ट रखेंगे. फिर से इसको सोक करेंगे. वापस हमारा नेक्स्ट वीडियो आपने देखा ही होगा, ये एक बहुत अच्छी आइसिंग का आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छे डेकोरेशन का. आप ऐसे ही ट्राई करते रहना और मुझे भेजते रहना. जो लोग डिज़ाइंस ट्राई कर रहे हैं थैंक यू, कोशिश करूँगी कि बहुत सारी डिज़ाइंस भेज दूँ आपको. थोड़ा सा चेरी का फिलिंग लगा रही हूँ.
बिकॉज ये खाते हो बहुत सही लगेगा। और अब इसके ऊपर आइसक्रीम। फिर से मैं आइसक्रीम लगा रही हूँ इस पे। फिर हम इसको पैलेट नाइफ से ठीक कर लेंगे। और अब मैं इस आइसक्रीम को क्या करूंगी, मैं फ्रीज करूंगी 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। बस सेट हो गया तो 90% काम हमारा हो जाएगा, बिकॉज फिर हम लोगों को सिर्फ टॉप डेकोरेट करना है इसका। फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने मुझे पूछा था, यस थैंक यू, आप में से काफ़ी जन मेरे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ज्वाइन हुए हो। जस्ट न्यू स्टार्ट की हूँ, काफ़ी लोगों ने मेरा ऑनलाइन क्लास लिया भी है, तो अगर आप में से भी कोई चाहे तो आप प्लीज़ मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी सीख सकते हो। आपके घर पे आराम से, आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाते हो और आपके घर पे आराम से बैठ के मेरे क्लासेस देख भी सकते हो और बना भी सकते हो। मेरे सारे क्लासेस प्रोफेशनल है, जहाँ पे आप खुद आपका कोई ना कोई काम स्टार्ट कर सकते हो। इसको हम लोग सेट कर लेंगे, डीप फ्रीज कर देंगे नियर अबाउट 2 से 2.5 घंटे के लिए और फिर इसको फिनिशिंग करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये केक निकल गया है हमारा। हम इसको थोड़ा सा हल्का सा फिनिशिंग कर देते हैं, बिकॉज आइसक्रीम है, आइसक्रीम पिघलेगा ही पिघलेगा, बिकॉज ये प्योर आइसक्रीम बेस है, दिस इज नॉट एन फ्रोजन डेजर्ट। और अब इन साइड्स पे हम थोड़ा सा चॉकलेट शेविंग्स जो होती है उनको लगा देंगे ताकि ये ब्लैक फॉरेस्ट लगे। आप इनको भी थोड़ी देर फ्रीज कर दीजिए। ये काम आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। ऊपर हम 4 रोजेट्स निकालेंगे। और बीच में फिर से थोड़े चॉकलेट्स। यस, माय आइसक्रीम केक इज डन। इसको कट करूं। फ्रेंड्स इसको एंजॉय करना, बनाना और मुझे प्लीज़ मैसेज करना।